देखो तो हम लोग प्रश्न वाली जो है 13.2 जो हम लोग का सब्जेक्ट है रेखा एवं कोण उसको हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है जो आप लोग के पास सबको दिया गया है, तो इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर एम और एन दो क्या है, पैरेलल लाइन है। एम और एन क्या क्या है, तो पैरेलल लाइन है। और ये जो रेखा है ये ट्रांसवर्सल है। तो एक्स का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तो ये पिक्चर सेम टू सेम मैंने बना लिया। तो ये जो हम लोग का कोण है इसके जस्ट ऑपोजिट ये कोण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर अंत युग्म बोलते हैं या एकांतर कोण बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो देखो ये क्या है, एकांतर कोण है। ये अगर 65 है तो ये भी 65 होगा। अब एक सेकंड के लिए आप सोचो कि आप इसको अगर स्ट्रेट लाइन पर कर लो तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा, सॉरी 180 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनाएगा 180। इसका मतलब 65 प्लस एक्स का जोड़ अगर करेंगे तो मेरा 180 होगा। तो एक्स 65 के साथ कितना जोड़े कि 180 आता है, तो 65 के साथ मुझे 15 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 15, क्योंकि 65 के साथ 5 जोड़ेंगे तो क्या 70, और 70 के साथ 10 जोड़ेंगे तो 80। तो इसलिए 65 के साथ अगर मैं 115 जोड़ूंगा तो 180 हो जाएगा मेरा। तो इसका मतलब इसका कोण का मान कितना होगा, 115। अब इसके लिए तो कुछ सिस्टम बनाने के लिए तो कुछ तरीका है ना। तो देखो हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 65 इक्वल टू 180। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म कोण बोलते हैं। इसका क्या नाम है, रेखिक युग्म कोण। अब इसके बाद देखो तो इस तरह से क्या हो गया, ठीक है। तो 180 में से अगर 65 चला गया तो क्या होगा, 115 होगा। बहुत ही आसान है ये मैथ्स, चुटकियों में बन जाएगा। तो देखो ये जो रेखा है यहाँ पर क्या है, दो समानांतर रेखा है पी और क्यू। और थोड़ा सा इसका एक स्मार्ट आइडिया क्या दिखाया गया, देखो इधर से भी दो समानांतर रेखा गया है, एल और एम। तो इधर से पी और क्यू और इधर से एल और एम, ठीक है। अब यही तो दिया गया है, दी गई आकृति में दो, आकृति दो में एल और एम, एल पैरेलल एम, मतलब एल जो है दो, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या, इसके बीच के जो डिस्टेंस है हर एक जगह समान है। और पी क्यू मतलब क्या होता है, पी पैरेलल क्यू, मतलब पी और पी पैरेलल क्यू जो है। तो इसके लिए देखो, अब देखो ये जो एक्स वाई जेड डी है, अब इसका मान निकालना है। तो देखो ये इतना स्मार्टली ये क्वेश्चन बनाया गया, आप देख के खुश हो जाओगे। तो देखो ये हम लोग इस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि ये 75 है तो इस कोण, ये डी के बराबर होगा कि नहीं, एकांतर कोण, हाँ या ना। तो ये 75 तो ये भी 75, 75। अगर ये 75 तो ये भी 75, कोई प्रॉब्लम है। ये 75 तो ये 75, ये 75 तो ये 75, मतलब ये 75 तो ये 75, ये 75 तो ये भी 75। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है और ये एकांतर कोण है। ये एकांतर के हिसाब से मिल रहा है और ये संगत के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। तो देखो ये संगत के हिसाब से मिल रहा है, इधर से ये मिल रहा है, इधर से ये मिल रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, ये x बराबर अगर 75 हो गया तो ये भी तो 75 होगा, क्योंकि ये भी तो संगत कोण है या नहीं, हाँ या ना। अच्छा ये अगर 75 होगा तो ये भी 75 होगा, ध्यान से देखना, ये अगर 75 होगा तो ये भी 75 होगा, बिकॉज ये भी संगत कोण है। तो समझ रहे हो कितना बेहतरीन मैथ है। अगर ये 75 हुआ तो इसके लिए और भी तरीका है। देखो ये 75 है तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी 75 होगा, होगा कि नहीं। ये 75 है तो ये भी 75 है, और मतलब ये 75 तो ये भी 75, ये 75 तो ये भी 75, ये 75 तो ये भी 75। सिर्फ एक कोण दिया गया है और इसका मान प्राप्त करना, तो बोलो इंटरेस्टिंग हुआ कि नहीं। तो इसको लिखेंगे तो कुछ एक तरीका होना चाहिए। तो देखो 75 डिग्री बराबर डी हो गया, कोण डी हो गया, तो वो एक एकांतर कोण है। और उसके बाद एक्स बराबर डी, आप लोग ये लिख लेना, उसके बाद मैच करते कौन x बराबर कौन d, ये भी 75 डिग्री लेकिन संगत कौन हो गया, और कौन x बराबर कौन y, ये भी 75 हो गया, ये भी संगत कौन हो गया। समझ में आ गया।